हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू लर्न नाइन्थ स्टैंडर्ड हिस्ट्री लेसन नंबर सिक्स, दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शंस। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। पूरा आपके डाइजेस्ट का आंसर हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ ओरल क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स कभी कभी हमें यहाँ से मिल जाते हैं, और कॉमेंट्स भी आते हैं कि मैम इसे स्किप मत किया कीजिए, इसे भी शो किया कीजिए, इसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं आपको ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस दी गई होती हैं डाइजेस्ट में शॉर्टकट में, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। अगर आपके लिए कुछ यूज़फुल होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर्स सारे लेंदी हैं तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सारे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं। सारे के सारे अगर एक्सप्लेन करने बैठूँगी तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो, फिर भी जो लॉन्ग आंसर्स रहेंगे उससे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं इन सब का आंसर यहाँ पे है। और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1975। और इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, और इन सब के आंसर्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो सबको पता है कि फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी है, SNDT जो अभी भी है, आपको पता होगा मुंबई में। रॉन्ग पेयर आपको बताना है इसमें से, ये चार दिए गए हैं जो, तो रॉन्ग पेयर आपका यही है लास्ट वाला, तो ये दिया हुआ है इसका आंसर। इस तरह से एक क्वेश्चन और है, उसका भी रॉन्ग पेयर यहाँ पे देखिए दिया गया है ये वाला। सारे क्वेश्चन जो हैं सबके आंसर्स उसके नीचे गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं। एलिमनी, माइनॉरिटी, नोमैडिक ट्राइब्स, ये सब देखिए इसके बारे में। एलिमनी क्या है? एलिमनी फिक्स्ड अमाउंट होता है जो पे किया जाता है मैरिड वुमन को फॉर हर अपकीप बाय द हस्बैंड हु हैज़ डिवोर्स, जिसने डिवोर्स दे दिया है, डिवोर्स दे दिया है, तो उसे रहने के लिए एलिमनी एक फिक्स अमाउंट होता है जो कोर्ट तय करती है वो उसे देती है। एलिमनी लॉज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिलीजन्स इन इंडिया, इंडिया में अलग अलग जो रिलीजन्स हैं उनके लिए अलग अलग एलिमनी फिक्स है। माइनॉरिटी यहाँ पे दी गई है, इसका मतलब क्या है? सोसाइटी में एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो जिनका जो पर्टिकुलर रिलीजन कोई होते हैं, जिनका लैंग्वेज या रेस जो उनका क्या होता है स्मॉलर नंबर होता है, तो उन्हें माइनॉरिटी बोलते हैं, जो कम होते हैं संख्या में। तो माइनॉरिटीज़ हैव टू राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व, वो अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को, ट्रेडिशन को करे प्रोटेक्ट कर सके, ये उनको अधिकार होता है। इसके लिए उनको राइट दिया जाता है कि वो सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब उनको कुछ एक राइट दिया जाता है। द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स वेरियस स्कीम्स फॉर देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस के लिए भी गवर्नमेंट कई सारे इंप्लीमेंट्स लाती है, स्कीमें लाती हैं उनके लिए, स्कीम्स लाती हैं। ओके, नोमैडिक ट्राइब्स क्या हैं? तो कुछ द ट्राइब्स दैट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर लाइवलीहुड, अपनी जीवन रोटी के लिए, जीवन बोलते हैं ना, आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब्स। वे कमाते हैं अपनी रोजी रोटी बाय अर्निंग एनिमल्स, बाय रेयरिंग एनिमल्स एंड इंगेजिंग इन सम अदर ऑक्यूपेशंस, कुछ अदर ऑक्यूपेशंस में लगे रहते हैं वो। दे वर इंक्लूडेड अंडर डी नोटिफाइड ट्राइब्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में वो भी अभी भी क्या डी नोटिफाइड ट्राइब्स में इंक्लूडेड हैं। और ये ट्राइब्स क्या होती हैं? हैविंग गिवन रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट सेक्टर्स, तो ये रिप्रेजेंट उनके लिए भी है इस तरीके से चीज़ें। अब डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या हैं? तो देखो, ब्रिटिश ने क्या डिक्लेयर किया था, कुछ नोमैडिक ट्राइब्स एज क्रिमिनल ट्राइब्स उन्हें बोल दिया था, ठीक है। सो बाय द लॉ ऑफ 1871 देयर मूवमेंट्स एंड ऑक्यूपेशंस वर बैंड, तो उनके जो कुछ मूवमेंट्स थे, ऑक्यूपेशंस थे, वो बैन कर दिया गया था। ये अनजस्ट लॉ था, और ये क्या किया था, और रिपील्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इसे रिपील किया गया। अब उनके उनको क्या नाम दिया गया, उन्हें डी नोटिफाइड नाम दिया गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड वर गिवन रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट सेक्टर। अभी उन्हें क्या दिया गया,
रिजर्वेशन भी दिया गया, रिज़र्व कुछ सीटें दी गई एजुकेशनल में, एजुकेशन में भी, गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ों में, ताकि वो उनकी भी प्रोग्रेस हो सके. द विमेंस लिबरेशन मूवमेंट बिगैन इन महाराष्ट्र. तो देखिए दिया गया, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था 1975 में एज इंटरनेशनल वीमेंस ईयर. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया एक कमेटी 1975 में यहाँ पे, ताकि वीमेन की जो वीमेन का जो स्टेटस है, अंडर द चेयरमैनशिप डॉक्टर फुलरेनु गुहा. तो ये सारी चीज़ें दिया गया. स्त्री मुक्ति, स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति, ये ऑर्गेनाइज किया गया था एक स्टेट कॉन्फ्रेंस 1975 में वीमेन रिलेटेड इशूज़ पे. तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. जो प्रिवेंशन किया गया डाउरी पे, दहेज पे 1984 के तहत, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है उसके बारे में. यहाँ पे देखिए दिया गया 10 points, लेकिन यहाँ पे बोला गया राइट एनी 6 points. वो डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स का है, और यहाँ पे 6 points लिखेंगे तभी भी इनफ है. अब उन 10 points में से आपको जो इजी लगे वो 6 points आप लिख सकते हो. अब ये दिया गया, हर एक चैप्टर में आपको एक पिक्चर दिया गया है, और ये चिपको आंदोलन का है आई थिंक, और इसके बारे में आपको लिखना है कि बहुत ही फेमस. और देखिए दिया गया है ऑब्जेक्टिव एंड प्लेस, इट वॉज स्टार्टेड एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय फॉरेस्ट, इट वॉज स्टार्टेड टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पज. यस, तो यहाँ पे देखिए दिया गया लीडरशिप. तो द मूवमेंट शोन इन द पिक्चर इज चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट. इन 1973 सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट. नेचर ऑफ द मूवमेंट, तो वीमेन ने क्या किया, उन्होंने भी बहुत लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने फॉलो किया स्ट्रेटजी क्या, अपने हाथों से सर्कल करके उस पेड़ को खड़े हो जाते थे कि काटने से मतलब, और इसीलिए बोला गया चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन. इट इज़ नॉट ओनली स्टॉप द फेलिंग ऑफ द ट्रीज बट ऑल्सो गेव अ ग्लिम्स ऑफ वीमेन पावर. देखिए यहाँ पर सारी औरतें हैं और पहाड़ी हैं, तो ये हिमालय की है, देख के पता चल रहा है आपको. चैप्टर नंबर 7 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस, हर एक चैप्टर्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं.